हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम उपचार नुस्खे चैनल में रोज़ नए वीडियोस अपडेट करते हैं। अगर आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आप रोज़ नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कहीं आप तो नहीं करते नहाते समय ये गलतियाँ? नहाने के दौरान हम अक्सर कई गलतियाँ कर जाते हैं, जो हमारी स्किन और बालों को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का भी कारण बन सकती है। ज़्यादा देर तक शावर लेने से स्किन का मॉइस्चर कम होने लगता है और स्किन ड्राई हो जाती है, जल्दी झुर्रियाँ पड़ने की संभावना हो सकती है। ऐसी ही बहुत सी गलतियाँ हैं जो नहाते समय हम कर बैठते हैं। तो आइए जाने ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो जाने अनजाने हम नहाते समय कर बैठते हैं। बहुत गर्म या ठंडे पानी से नहाना। कई लोग गर्मियों में बहुत ठंडे पानी से नहाते हैं और जाड़ों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। इसके कारण बालों और स्किन के टिश्यूज को नुकसान पहुंच सकता है। अधिक गर्म और अधिक ठंडे पानी से नहाने से हमारी स्किन खराब हो सकती है और हमारे बाल भी डैमेज हो सकते हैं। नहाने से पहले शेविंग करना। बहुत से लोग नहाने से पहले शेविंग करते हैं, पर ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि इससे स्किन के पोर्स ज़्यादा खुल जाते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आप शेविंग करना चाहते हैं तो नहाने के बाद कर लें या फिर नहाने से 1 या 2 घंटे पहले करें। ज़्यादा स्क्रब करना। कई लोग ज़्यादा गोरा दिखने के लिए ज़्यादा स्क्रब करते हैं, पर ये करना ठीक नहीं होता। अधिक घिसने से स्किन की ऊपरी परत छिल सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। नहाते समय आराम से स्किन को स्क्रब करें। टॉवल से रगड़कर साफ करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे अपने शरीर को टॉवल से रगड़ रगड़ कर साफ करना पसंद करते हैं। अगर आप नहाने के बाद टॉवल को अपनी त्वचा पर या बालों पर ज़्यादा रगड़ कर पोंछते हैं तो इससे आपकी स्किन ड्राई और बाल झड़ने का खतरा रहता है। साबुन ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना, ये एक आम प्रॉब्लम है। कई लोगों की आदत होती है कि वे नहाते समय साबुन का प्रयोग 2-3 बार कर लेते हैं, पर नहाते समय साबुन का प्रयोग ज़्यादा करने से पसीना ज़्यादा आता है और स्किन भी ड्राई हो जाती है और शरीर की त्वचा को काफी सख्त और नुकसान पहुंचा सकते हैं। साबुन त्वचा को ड्राई बना देता है, इसलिए हो सके तो एसेंशियल ऑयल से बने साबुन का प्रयोग करें। डीओ या एंटीबैक्टीरियल का अधिक उपयोग करना। डीओ या एंटीबैक्टीरियल का उपयोग लोग खुशबू और बैक्टीरिया से खुद को बचाने के लिए करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि डीओ या एंटीबैक्टीरियल का अधिक उपयोग करने से स्किन रफ होने लगती है और खुजली जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये परेशानी आगे चलकर चर्म रोग जैसा विकराल रूप भी ले सकती है। जिम या एक्सरसाइज के तुरंत बाद नहाना। अक्सर लोग एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आकर नहा लेते हैं, लेकिन कभी भी जिम या फिर एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। जिम या एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी गर्म हो जाती है और उसके तुरंत बाद नहाने से बुखार और जुकाम होने का खतरा रहता है। देर तक नहाना। नहाते समय शरीर को बहुत सुकून मिलता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप देर तक नहाते रहें। ज़्यादा देर तक नहाने से बॉडी से निकलने वाले नेचुरल ऑयल्स को नुकसान पहुंचता है और बॉडी अपनी नमी खो देती है, जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।